नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लवली सिंह और आप देख रहे हैं श्रृंखला फायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज आपको लैंडिंग वाल इसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे, इसके पार्ट्स कितने हैं, और आपको तस्वीर के माध्यम से लाइव दिखाएंगे कि इसके पार्ट्स के क्या क्या नाम है। तो आप पूरी वीडियो देखना, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आने वाले अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। तो वो आते हैं लैंडिंग वाल पार्ट्स के ऊपर। सबसे पहले ये पूरे को बोलते हैं लैंडिंग वाल। तो ये होता है लैंडिंग वाल व्हील्स, इसको बोलते हैं लैंडिंग ऑपरेटिंग व्हील, जिससे हम हाइड्रेट को ऑपरेट करते हैं इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग व्हील। ये होता है ऑपरेटिंग व्हील नट, इसके नीचे एक वाशर भी आती है उसको ऑपरेटिंग व्हील वाशर बोलते हैं। इसको ऑपरेटिंग व्हील बोलते हैं, इसको ऑपरेटिंग व्हील नट बोलते हैं। एक वाशर आता है और ये है ग्लैंड नट, ये होता है ग्लैंड नट। नेक्स्ट स्टेप ना, इसको बोलते हैं स्पिंडल। स्पिंडल आपको पूरा दिखाया जाएगा। कुछ ऐसा पीछे से इस प्रकार दिखता है। ये स्पिंडल, पूरी को बोलते हैं स्पिंडल। ये अपनी आगे स्पिंडल, ये आ गया बोनट, और ये था ग्लैंड नट। ये ग्लैंड नट के अंदर एक ग्लैंड बुश होता है और उसके अंदर एक ग्लैंड डोरी होती है, जो कि अब आपको दिखाई नहीं दे रही है तो उसमें नहीं डाली हुई, तो उसके अंदर एक ग्लैंड डोरी होती है। ये होता है ग्लैंड बुश, ये होता है ग्लैंड नट। पूरे को बोलते हैं बोनट, कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये बोनट की थ्रेड है, जो उसके अंदर एक ब्लैक रबड़ दिख रही है इसको बोलते हैं ओरिंग। जो बोनट की बोनट के अंदर लगी है ना, जो ब्लैक कलर की दिख रही है, ये बोलते हैं ओरिंग। उसके बाद अंदर जो लगा होता है चेक नट, जिसके साथ कनेक्ट होता है मेटल डिस्क के साथ, ठीक है। आपको खोल के लाइट दिखाया जाएगा। जिसको बोलते चेकनट, चेकनट के साथ जो मेटल डिस्क होती है इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, इसको बोलते मेटल डिस्क। इसके अंदर आता है रबर डिस्क, रबर डिस्क वाशर बोलते हैं इसको। जब भी लीकेज वगैरह होती है अंदर से तुझे जहां से होती है तो उसको चेंज करते हैं, जैसे सीटिंग वाशर, जो भी डिस्क वाशर को सीट कर झट करते हैं उसमें आता है सीटिंग वाशर, और जहां इसका नट आता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझा रहा हूँ। ये पूरे पार्ट्स को बोलते हैं, आपको दिखाता हूँ एक एक पार्ट्स, इसको बोलते हैं फीमेल कपलिंग। इस पूरे को बोलते हैं फीमेल कपलिंग, सिंगल लग्स फीमेल कपलिंग, इसमें एक ही लग्स लगा हुआ है उसको बोलते हैं होलो लग्स। इसके अंदर एक वाशर होती है उसको बोलते हैं रबड़ वाशर, फीमेल कपलिंग रबड़ वाशर, जो जब भी हम इसके साथ होज कनेक्ट करते हैं तो वहां से पानी ना गिरे, इसलिए इसके अंदर होता है रबड़ वाशर। इसको बोलते हैं ब्लैंक कैप, इसके साथ ब्लैंक कैप आते हैं, इसके साथ चैन भी आती है जो एक साथ कनेक्ट रहती है।
एक सेकंड में दिखाते हैं इसके लग्स के पार्ट्स। कोशिश करो खुल जाए। तो ये दोस्तों ये खुल नहीं रहा तो हमें ये लग्स लेके आ गया इससे, उसको बोलते हैं होलो लग्स। ये सेम ही चीज़ें इसके अंदर के आपको पार्ट्स के बारे में बताएंगे। ये आता है इसके टीथ, टीथ आता है, ये इसकी थ्रेड आ गई, ये नट आ गया और ये स्प्रिंग आ गया, लग्स कॉइल आ गया और ये लग्स जो इसका लग्स फ्रेम है। ये कुछ इस प्रकार सेट होता है, पहले टीथ के ऊपर स्प्रिंग लगा लिया, फिर इसको ऐसे डाल दिया, फिर इसके ऊपर फ्रेम लगा दिया, उसके अंदर ये नट डाल दिया, नट डालने के बाद इसको मार मार टाइट कर दिया। ये लग्स कॉइल, ये हो गया फिट। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी गाइस मेरे को कमेंट करके बताएं, और आगे भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। और जो मेरे चैनल पे अभी नए हैं वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली मेरी वीडियो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। बहुत जल्द मिलता हूँ आपको अच्छी वीडियो के ऊपर। अब